गुड इवनिंग सभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को। आप लोग को पता है कि हम लोग का कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया था, उसमें भी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़े थे, उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम को मैंने बताया। सो मेनी प्रॉब्लम हियर प्रेजेंट ऑन दिस बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस, फाइंड द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। क्वेश्चन नंबर ए, फोर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर एंड ए कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस ऑन द सेंटर ऑफ स्क्वायर, देन इट्स नेट फोर्स विल बी जीरो, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम और एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सेकेंड क्वेश्चन, थ्री इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर प्लेस्ड इन प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल एज शॉन इन द फिगर एंड कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड ऑन सेंट्रॉइड ऑफ द दिस ट्रेंगल, सो ही आर ऑल्सो थ्री इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल 20 डिग्री, सो नेट फोर्स विल बी जीरो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर एंड इट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। अगेन एनी रेगुलर पॉलीगॉन एंड एट एवरी वर्टेक्स हैज प्लस क्यू चार्ज प्लस स्मॉल क्यू चार्ज ड्यू टू विच कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स जीरो, इट इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। कंसिडर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए रिंग सर्कुलर रिंग वेयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज शॉन इन द फिगर, वेन कैपिटल क्यू चार्ज इज एट देयर सेंटर, देन इफ इट्स मूव अलॉन्ग डायमीटर देन इट गेट ऑसिलेट वेन इट डिस्प्लेस अलॉन्ग एक्सिस देन गो अवे फ्रॉम द सेंटर नेवर रिटर्न एट द सेंटर, सो इट इज अलॉन्ग द एक्सिस इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अलॉन्ग द डायमीटर स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिड यू फॉलो मी? ओके, एक्चुअल मैं आप लोग को बताना नहीं तो बता दिए थे पहले ना, ठीक है, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर जितना भी था वो सब हम लोग सीख लिए, कोई दिक्कत? जब कभी भी इक्विलिब्रियम की बात होगा तो आप क्या समझिएगा, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, कोई दिक्कत? अब देखिए प्रॉब्लम देता हूं, ध्यान से देखिए, एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, कल कूलेट द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर वेयर 10 माइक्रोकूलम चार्ज 10 माइक्रोकूलम या तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, छोटे आवेश से दूरी ज्ञात करें छोटे आवेश से दूरी ज्ञात करें जहां एक कूलम आवेश साम्यावस्था में रहेगा, कोई दिक्कत? देखिए एक चार्ज का सिस्टम है, ध्यान दीजिए,
ये चार्ज का सिस्टम है, ओके। ये 4 माइक्रो कूलम है, कितना है, और ये है 16 माइक्रो कूलम। समझ में आ रहा है बाबू? तो पूछ रहा है इस चार्ज से कितना दूरी पर रखिएगा तीसरे चार्ज को, नहीं समझे बाबू? अगर बीच में रखिएगा, कहाँ रखिएगा, बीच में, कोई दिक्कत? मान के चलिए ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर। अगर बाबू बीच में रखोगे, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो किधर रहेगा, ए साइड की बी साइड? इक्विलिब्रियम में ये जो चार्ज है ना, ये कूलम का, कहाँ रखिएगा, एक माइक्रो कूलम का है, कहाँ रखिएगा, ए साइड या बी साइड? ए साइड। कहाँ रखिएगा? क्यों बाबू? ये छोटा चार्ज है, नजदीक कर दिए मारेगा, ये बड़ा चार्ज है, दूर भी रहेगा तो संभाल लेगा। इसीलिए मान लीजिए ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये सब मान लीजिए कि यहाँ पर रखा मैंने ये एक कूलम, एक माइक्रो कूलम के चार्ज को, कोई दिक्कत? जो कि छोटे चार्ज से कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, कोई दिक्कत? मान लिए ये, तो बताइए तब यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो। वेरी गुड 40 माइनस एक्स, 40 मतलब क्या, 0.4, 0. सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदल दिए, 0.4 माइनस क्या, एक्स, माइनस क्या, एक्स, ओके। कोई दिक्कत? तो आपको क्या निकालना है, ये एक्स, क्या निकालना है, ये एक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आबे, हाँ, छोटे आवेश से दूरी ज्ञात करें, छोटे आवेश से, दोनों में से कौन छोटा है, ये वाला, दूरी ज्ञात करें जहां एक माइक्रो कूलम आवेश समयावस्था में रहेगा। मान लीजिए छोटे आवेश से, क्या मानेंगे, छोटे आवेश से एक्स दूरी पर, छोटे आवेश से एक्स दूरी पर एक माइक्रो कूलम का आवेश, एक माइक्रो कूलम का आवेश समयावस्था में है। बच्चा वाला बात है, लिख लीजिएगा, माना कि, नहीं इंग्लिश में भी लिख लेना, माना कि एक्स दूरी पर, कितने पर, एक्स दूरी पर छोटे आवेश से एक माइक्रो कूलम की आवेश समयावस्था में रहेगा। कोई दिक्कत? मान लिया। अब बाबू देखो, समयावस्था में रहेगा तो क्या होगा, ये मारा धक्का, इसको इधर बोलो पक्का, मान लीजिए F1, क्या मान लीजिए इसको, कुछ भी मान सकते हैं आप, चूंकि यह रहेगा दुनिया में नहीं, ध्यान दीजिए, फिर बाद में लिखिएगा। और यह आवेश भी मारेगा इसको धक्का पक्का, कितना, F1 या F2, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं, कैसे नहीं होगा, समयावस्था में कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो कब होगा, जितना इधर लग रहा है उतने इधर लग रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में, किसमें है ये, इक्विलिब्रियम में जब रहता है तो नेट बल क्या होता है, जीरो। इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल बी जीरो, समयावस्था में नेट बल शून्य होगा, कोई दिक्कत? इसका मतलब होगा F1 बराबर होगा किसका, F2 का, F1 किसके बराबर होगा, F2 का, इसका मतलब बताइए, F1 यानी इसका फोर्स, ये कितना लगा रहा है, फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा, K Q1 कितना, 4 माइक्रो कूलम, Q2 1 माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत, बाय R स्क्वायर, मतलब X स्क्वायर, ओके।
यहाँ नहीं भी बदलेंगे ना माइक्रो कूलम, ध्यान से देखिए चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, देखना ध्यान से। अब ये वाला ये कितना लगा रहा है F2, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए क्या लिखिएगा, के क्या लिखिएगा, के Q1 कितना, F1 लिखे ना ये जी, तो उसके लिए एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, यही ना था, तो लिख दिए K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए अब F2 किसके बीच का है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है किस पर, इस पर, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी पहला चार्ज आपका ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला चार्ज कितना हो गया 16 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज कितना हो गया 1 माइक्रो कूलम, ओके, डिस्टेंस कितना हो गया बोलिए 0.4, अगर हम 40 माइनस एक्स लिख देंगे तो कुछ बच्चा सोचेगा सर बार बार आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते थे, सर बार बार आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते थे, अच्छी बात है, सर माइक्रो कूलम को भी कूलम में बदलते थे, लेकिन ऐसे सवाल में आपने नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, आंसर है ध्यान से देखिए, अगर इधर भी अगर ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम है तो ये कटिए जाएगा ना, बोलो जल्दी से, इधर भी अगर हम सेंटीमीटर लें तो इधर अगर सेंटीमीटर लिए तो इधर सेंटीमीटर ना आएगा, तो ऐसे चूंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है, अगर इस फोर्स को हम कुत्ता बोलें तो इधर भी कुत्ते ना होगा, कुत्ता कुत्ता कट ही जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अकेला तो नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अगर हम फोर्स का यानी चार्ज वगैरह जो जो भी है अगर यूनिट को चेंज नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक तो कूलम में रहता और दूसरा माइक्रो कूलम में रहता तब फिर बदलना पड़ता, कोई दिक्कत, लेकिन दोनों माइक्रो कूलम में ही है, ये कट ही जाएगा, कट ही जाएगा, और ये सेंटीमीटर में लेंगे तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही आंसर आने वाला है, तो इस स्थिति में हम लोग नहीं भी बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिख लिया था न, अब कुछ नहीं है बस मैथ है, अब कुछ नहीं है बस मैथ है, फिजिक्स में कोई दिक्कत हुआ बोलिए, इक्विलिब्रियम कराइए और ये बराबर है, यहां तक में कोई दिक्कत हुआ, कूलम्स लॉ लगा है, क्या लगा है कूलम्स लॉ, अब जो कीजिएगा ये मैथ है, अब जो कीजिएगा ये क्या है मैथ है, अब मैथ आनी चाहिए आपको, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मैथ आता है, ये फिजिक्स का पार्ट है ही नहीं, लेकिन आप सॉल्व कीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, देखिए दोनों साइड के है खत्म, बोलो यहाँ भी माइक्रो कूलम है, यहाँ भी माइक्रो कूलम है खत्म, ये भी माइक्रो कूलम है, ये भी माइक्रो कूलम खत्म, बोलो ये भी चार है, ये भी चार बार में खत्म, तो क्या बचा इधर बोलिए, 1/x2 क्या बचा, 1 सब कट गया तो क्या बचा 1/x2 बराबर 4/40 - x, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको इसका भी क्या है स्क्वायर, कोई दिक्कत कि नो दिक्कत, कहाँ चला गया, ऊपर नहीं है स्क्वायर, केवल नीचे न है, क्या है ये स्क्वायर, कोई दिक्कत, बताइए कितना वेरिएबल है, एक ठो कि दो ठो, एक ठो, तो एक इक्वेशन से सॉल्व होगा कि नहीं, क्या आपको लगता है कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, है करके दिखा दीजिएगा तो हम समझेंगे कि नहीं आपका मैथ स्ट्रांग है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है ये सब छोटा मोटा समीकरण है नहीं, मैथ में लिखा रहता ये दिए गए समीकरण को हल करें, न समझे, यानी x का मान निकालें,
सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सरल करें। वो बच्चा क्या ये मैथमेटिक्स, एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि आपको निकालने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन निकालिए। तो